विभागीय निदेश के आलोक में किया जाता है और अभी तक जितनी बार भी समिति द्वारा परीक्षाएं ली गई हैं उन सभी परीक्षाओं जैसे इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन बिहार बोर्ड अपने स्तर से करता है, किंतु टीईटी का आयोजन विभागीय निर्देशानुसार किया जाता है और अभी तक की सभी परीक्षाएं विभागीय निर्देश के आलोक में ली गई हैं। अतः जब भी विभागीय निर्देश प्राप्त होगा तो बिहार बोर्ड उसके लिए आवश्यक तैयारी करेगा। क्या क्या है, पहले की व्यवस्था अपेक्षाकृत जटिल थी, अब उसको सिंप्लीफाई किया गया है। तो बच्चे को एक तो कम टेक्स्ट बुक, जैसे हिंदी के विद्यार्थी अगर दो जगह ले रहे हैं तो उनको टेक्स्ट बुक अलग अलग पढ़ना पड़ता था, अब बच्चे को कम किताबें पढ़नी पड़ेंगी, नंबर वन। दूसरा पासिंग पॉइंट बढ़ने का कारण यह है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट्स को रिप्लेस करने की जो नई व्यवस्था हमने शुरू की है इसके चलते विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। और दूसरा विषय एक और अनिवार्य है जो 12 भाषाओं में से दोनों में एक पास होना जरूरी है, बिल्कुल हो सकता है। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि रिप्लेस करने के बाद भी हिंदी या अंग्रेजी दोनों किसी एक में पास करना अनिवार्य है। हाँ, तो हम लोगों ने पूरे देश के सभी अधिकांश बोर्डों का हम लोगों ने अध्ययन किया और हमारी इसमें हम लोग समिति बनाई थी, हमारी उप समिति बनी हुई थी और उप समिति में बिल्कुल उसकी बैठकें कई बार हुई। निकुंज जी हैं उन्होंने की और बाकी किसी भी चीज के बारे में हम लोग पूछना चाहते हैं। सर, नहीं, सर, पेपर वन में जो हिंदी और इंग्लिश ले लो, हाँ, वो तो पेपर सेकंड में लेंगे तो क्या इंग्लिश के अलावा दस सब्जेक्ट लेंगे, हिंदी रिपीट कर सकते? नहीं, रिपीट नहीं कर सकते। मतलब पेपर वन में हिंदी या अंग्रेजी और पेपर दो में 12 में से वैसे 11 सब्जेक्ट जो उन्होंने पहले में नहीं लिया, हिंदी इंग्लिश छोड़, अगर सपोजिंग हिंदी लिया पहले में तो 11 बच गया, उस 11 में से एक लेसन लैंग्वेज मस्ट है। दो लैंग्वेज अभी भी मस्त था।